एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। इस स्कंदोपनिषद का 24वां दिवस आज प्रारंभ होता है। शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय और महान ऋषि अगस्त मुनि का वार्तालाप इस उपनिषद में है। ओम यस्य योगम न वांछन्ति वियोग भय कातरः भजन्ति चरणाम्भोजं मनयो परम पुरुषं ब्रह्म मेधसः। आवागमन के दुख और भय से भयभीत हुए योगी ऋषि मुनि भोगों की इच्छा नहीं करते। वे आवागमन को मिटाने वाले परम पुरुष परम ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं, जिससे वर्तमान काल में भी उनकी आत्मा उस सनातन पुरुष से जुड़ी रहे और जब ये शरीर छूट जाए उसके पश्चात ये जीवात्मा इधर उधर ना भटके उसी सनातन ब्रह्म परमात्मा की तरफ को ये जावे, क्योंकि ये सिद्धांत है। जीवन भर हमारा मन जहां जहां भटकता रहता है, मृत्यु के समय भी हमारी वृत्ति हमारा ध्यान उस तरफ ही जाता है। अंतकाल जो माया सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वो पृथ्वी में गढ़े हुए धन के ऊपर सांप बन के बैठता है। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्या के घर जन्म होवे। सारा जन्म दुख में विचरे। अंतकाल जो संतान को सिमरे, उधर प्राण निकल रहे हैं उधर हमारा चित संतान के लिए व्यथित है। ऐसी चिंता में जो मरता है उसका जीवात्मा सुअर का जहां रहने की जगह है वहां सुअर के बच्चे बन करके वो जन्म लेता है। अंतकाल जो परम पुरुष को सिमरे, ऐसे सिमरन में जो शरीर को त्यागता है वो उस प्रभु का प्यारा सतगुरु का प्यारा वो व्यक्ति उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती, वह मोक्ष पद को परम पद को। और देवलोक में जिस देवता की तरफ जाना चाहता है चला जाता है। परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करने से हमारी आत्मा उस ब्रह्म तत्व में प्रबल हो जाती है, मजबूत हो जाती है।
स्वप्न काल में गए हुए जीव का जैसे अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, किंतु जो ब्रह्म ऋषि होते हैं, कौन है ब्रह्म ऋषि? जो निरंतर रात दिन सांस सांस पर उस परम ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं, संसारी बातों को मुंह से नहीं निकालते, किसी की निंदा चुगली स्तुति में नहीं रहते, जो अपने ध्यान को सनातन ब्रह्म में लगाए रहते हैं, उन ऋषि आत्माओं का अपनी आत्मा पे संयम हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, जहां वे इच्छा करते हैं उस लोक में, देवलोकों में भ्रमण करते रहते हैं, और जहां उनकी ठहरने की इच्छा होती है अपनी इच्छा से वो ठहर जाते हैं। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें, सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, सामवेद की कुछ ऋचाएं, इन मंत्रों के ऋषि हैं काणवः। ऐसा ऋषि संसार में कण कण करके जो ज्ञान को इकट्ठा करता है, इन मंत्रों के देवता हैं इंद्र, ईश्वर के सम्राट जैसे स्वरूप का वर्णन छंद गायत्री तीन पदों में जो ऋचाएं गाई जाती हैं वे सभी गायत्री कही जाती हैं। स्वर सड़ज, इन सभी गायत्रियों के स्वर को प्रथम स्वर सड़ज पर स्थापित करते हैं। ओम प्रजामृतस्य पीप्रतः प्रायद बरंत वनय, विप्रारितस्य वासा, विप्रारितस्य वासा। नियमित जीवन जीने वाले, निरंतर परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले ज्ञान ज्योति को प्राप्त करते हैं।
सुबह किस समय उठना है, किस समय हमें परम ब्रह्म का सिमरन ध्यान करना है, किस समय प्रतिदिन हमें दान निकालना है, किस समय प्रतिदिन हमें दैनिक यज्ञ करना है, किस समय प्रतिदिन हमें माता पिता का दर्शन करना है, उनको प्रणाम करना है, किस समय हमें अपने खेतों में काम करना है, कब वहां से लौटना है, किस समय ऑफिस जाना है, आदि आदि। जो अपनी एक समय सारणी टाइम टेबल बना के रखते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, वे मनुष्य आत्मबल में मजबूत हो जाते हैं, वे दृढ़ चित वाले पुरुष अपनी आत्मा को सूर्य की तरह तेजवान प्रकाशवान बना लेते हैं। और जिनका कोई नियम नहीं, उठे तो उठ गए, नहीं तो नहीं उठे, पूजा करी तो कर ली, नहीं करी तो नहीं करी, किसी दिन याद आ गया तो दान कुछ निकाल दिया, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल नहीं होते, ना उनका पुण्य प्रताप बढ़ता है, ना उनको जीवन में कुछ विशिष्ट प्राप्ति ही होती है। नियमित जीवन जो जीते वे ज्ञान को धारण करते, अपनी आत्मा को सूरज और अग्नि की तरह प्रकाशित करते। नियमित जीवन जो जीते, ओम कण्वाय इन्द्राय दक्षत इस्तो महीरयज्ञस्य सारणम्। जामि ब्रुवत आयुधा, जामि ब्रुवत आयुधा। जो परमेश्वर को सदा अपने ध्यान में धारण किए रहते हैं, यानी जिनके ध्यान में दुनिया भर की ऊट पटांग बातें नहीं रहती हैं, भी तो उनको वो निरस्त करते चले जाते हैं। गुरु वचनों का बार बार चिंतन करने से, गुरुवाणी का बार बार पठन करने से, श्रवण करने से हमारी आत्मा उस ब्रह्म तत्व में एकाग्र होने लगती है। अपनी जीवन यात्रा को ऐसे लोग निर्विघ्न, विघ्न बाधाएं तो बहुत आती हैं, किंतु उस समय साहस पूर्वक धैर्य पूर्वक उन सब विपदाओं को वो सहजता से पार कर जाते हैं। जो परमेश्वर को सदा अपने ध्यान में रखते हैं, निर्विघ्न जीवन की यात्रा को निश्चय ही वो पूरा करते हैं। निर्विघ्न जीवन की यात्रा को निश्चय ही वो पूरा
करते हैं। ओम शांति शांति शांति। धर्म पर चलने वाले परेशान तो हो सकते हैं, सत्य पर चलने वाले परेशान तो हो सकते हैं, पराजित कभी नहीं हो सकते। धर्म कभी पराजित नहीं होता, और राक्षस और असुर ये कभी भी अजर अमर नहीं होते। धर्म ही मनुष्य को भवसागर से पार लगाता है। और प्रसिद्ध है कि पाप के बेड़े कभी पार नहीं होते। लाखों राक्षस असुर आतताई अपने दुष्कर्मों के कारण खुद ही लड़ लड़ के मर जाते हैं। जैसे नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, उसने अपने बल को, राज्य को, प्रजा को, संतानों को बहुत अधिक बढ़ाया, यहां तक कि स्वर्ग से 52,000 अप्सराओं का हरण करके ले आया कि इन अप्सराओं से मैं अपने संतानों में वृद्धि करूंगा। किंतु हुआ क्या? जिन मनुष्यों के, देवताओं के या किसी भी समुदाय में रहने वालों की भावना पवित्र नहीं, उनके इरादे अच्छे नहीं, तो ईश्वरीय शक्तियां कभी भी उनकी मदद नहीं करती। वो नरकासुर पूरी पृथ्वी पर नरक जैसा अंधकार, पापाचार फैला देना चाहता था। कुछ समय को उसने कोशिश की और ऐसा हुआ, किंतु वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो सबके कर्मों को देखता रहता है। उसने ऐसा होने नहीं दिया। वो अपनी चालबाजियों से नरकासुर स्वयं ही अपने फंदों में फंस गया और ईश्वरीय शक्ति के द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया। अजर अमर तो संसार में कोई है ही नहीं। मनुष्य के शुभ कर्म ही उसको प्रशंसनीय बनाते हैं। अपने धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म यानी कर्तव्य पालन, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। जो दूसरों का उपकार करता है, वो ईश्वर भी उस पर करुणा करता है। दक्षिण भारत के केरल साम्राज्य में चंद्रहास नाम का एक राजकुमार हुआ। उसका पिता राजा बचपन में ही मर गया। पड़ोस के राज्यों ने आक्रमण करके उस राज्य को हथिया लिया। उसका पालन पोषण करने वाली धाय उसको वहां से लेके दूसरे राज्य में चली गई। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, ईश्वर आराधना में उसका मन लगता चला गया।
वो नहीं जानता था कि वो किसी राजा का पुत्र है। ऋषि मुनियों की मंडली में डोलता हुआ एक अन्य राजा के राज्य में पहुंचा और ऋषियों ने उस बालक के स्वभाव को देखा। तब तक वो युवा हो चुका था। बाहर से भी अन्य ऋषि आए हुए थे। उस युवक को देखकर वे चकित हुए, कहा, अरे ये तो महात्माओं में महात्मा बना विचरण कर रहा है। उन्होंने घोषणा की, आने वाले समय में ये इस राज्य का शासक बनेगा, धर्मात्मा बनेगा, राज ऋषि बनेगा, संसार में धर्म की पताका को लहराएगा। वहां का राजा बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि वो संतानहीन था, किंतु उसका जो मंत्री था दुष्ट बुद्धि था, उसकी दृष्टि राजगद्दी पर थी। धोखे से उसने उस युवक को चंद्रहास को मरवाना चाहा। जल्लादों को भेजा, जाओ इसको मार के डाल दो। मारने को वे लोग तैयार हुए। उसने कहा, कुछ क्षण ठहरो, मैं परमात्मा को याद कर लूं। बोले, कर लो। इतनी ही देर में उन जल्लादों का हृदय बदल गया। उन्होंने देखा कोई ज्योति ऊपर से आकाश से उतरी है और उस प्रकाश ने उस नवयुवक को ढक लिया है। उन्होंने केवल उसके पैर की एक उंगली काटी और वो ले जाके दिखा दी, हमने मार दिया। कालांतर में वो नवयुवक ही वहां का राजा बना। जो दुष्ट बुद्धि मंत्री था, जो उसका पुत्र था, जो राजा बनना चाहते थे, आपस में अपने ही षड्यंत्रों में घिर कर मारे गए। वहां उस नवयुवक ने, चंद्रहास ने धर्म राज्य की स्थापना की। वहां के लोग उसको नारायण का अवतार मानने लगे। वस्तुतः जिसकी आत्मा में शुद्धता होती है, ईश्वर तत्व में जिसका चित्त लगा है, संसार में वो अपने सत्कार्यों को पूरा करके यहां से जाता है। प्रकृति उसकी मदद करती है, ईश्वर उसकी मदद करता है, दैवी शक्तियां उसकी मदद करती हैं। और जो झूठ छल कपट चालाकी कुटिलता को अपनाते हैं, ये प्रकृति उनके विपरीत हो जाती है। कुछ लोग मानुष से देव बन जाते हैं, कुछ दुष्ट बुद्धि वाले बन जाते हैं। अमृत तो हमेशा देवों को ही प्राप्त होता है। दुष्ट पुरुष अपने कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। छल से जिस राक्षस ने अमृत पिया, नारायण विष्णु ने उसका सर काट दिया, एक केतु और एक राहु बना। अमृत पीने के बाद भी उस दुष्ट बुद्धि वाले असुर ने कोई भी संसार में ऐसा उत्तम कर्म नहीं किया कि लोग उसकी प्रशंसा करें। सतयुग में ध्यान की प्रधानता रहती है, त्रेता में यज्ञ कर्म प्रधान कहे गए हैं, द्वापर में देवों का पूजन, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये सूर्य देव हैं। इन देवगणों की प्रबलता द्वापर युग में रहती है। कलयुग में परम ब्रह्म के सिमरन और उसके गुणानुवाद से, कीर्तन से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
कलयुग में सबसे सहज ये मार्ग कहा गया है, किंतु कलिकाल में मनुष्य की बुद्धि अशुद्ध रहने से इस मार्ग में लोग आते ही नहीं। ब्रह्म रूप गुरु के चरणों की पूजा और गुरु के चरणोदक का पान चारों युग में इससे बढ़ करके और कोई महान तत्व नहीं कहा गया है। आदिकाल से आप देखिए संख्या में हमेशा असुर राक्षस देवगणों से अधिक रहे, किंतु वे असुर पाप आचरण करने वाले, क्रूर कर्म करने वाले, धर्म मर्यादाओं को नष्ट करने वाले रहे। और देवगण चाहे संख्या में कम रहे, आज के समय में भी वही बात है, किंतु उनकी आत्मा में धर्म का बल था।
एक एक देवता ने लाखों लाखों असुरों का संहार कर डाला, शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय जैसे। पूरा दक्षिण भारत उन्होंने राक्षस संस्कृति से खाली कर दिया और वहां वैदिक परंपरा देव धर्म मानवता की स्थापना की। वे परम सन्यासी भी थे और परम योद्धा भी थे, देवताओं के वे सेनापति भी थे। संख्या से कुछ नहीं होता। रात्रि में लाखों करोड़ों सितारे आसमान में चमकते हैं, चंद्रमा जब उदय होता है सब फीके पड़ जाते हैं, सूर्य जब उदय होता है एक भी सितारा नहीं चमकता। धर्म ही जगत में प्रबल है। केवल पूजा पाठ को धर्म नहीं कहा जाता। जिसके हृदय में दूसरों की वेदना पीड़ा को समझने की शक्ति है, कोई भी हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, यदि वो दुखी है, परेशान है, जो उसकी मदद करता है निश्चय ही वो ही देव पुरुष है। बिना नाम पूछे, बिना जाति पूछे, बिना धर्म और मजहब को पूछे, जो दीन दुखियों के कष्ट हरता है उसी पुरुष को देवता कहा जाता है। और जो ऋषि मुनि तपसी इनको नष्ट करने के लिए तैयार रहता है, जो सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं किंतु उन्हें वो शांति अच्छी नहीं लग रही, बिना बात के वो उनको नष्ट करना चाहते हैं, ऐसे ही लोग राक्षस और असुर कहे जाते हैं। लाखों राक्षस असुर आतताई, काल अग्नि ने निगल लिए। लाखों राक्षस असुर आतताई, काल अग्नि ने निगल लिए। नरकासुर जैसे बलधारी, पाप अग्नि ने निगल लिए। नरकासुर जैसे बलधारी, पाप अग्नि ने निगल लिए। मनुष्य का पाप ही काल अग्नि बन जाता है और उसको स्वाहा कर देता है। पाप अग्नि ने निगल लिए, पाप अग्नि ने निगल लिए। धर्म पराजित कभी नहीं होता, धर्म पराजित कभी नहीं होता। राक्षस असुर अमर नहीं होते, राक्षस असुर अमर नहीं होते। धर्म पराजित कभी नहीं होता।
जो अपने धर्म की रक्षा करता, धर्म भी उसकी रक्षा करता। जो अपने धर्म की रक्षा करता, धर्म भी उसकी रक्षा करता। जो दूसरों का उपकार करता, ईश्वर उस पर करुणा करता। जो दूसरों का उपकार करता, ईश्वर उस पर करुणा करता। ईश्वर उस पर करुणा करता, ईश्वर उस पर करुणा करता। धर्म पराजित कभी नहीं होता, धर्म पराजित कभी नहीं होता। राक्षस असुर अमर नहीं होते, राक्षस असुर अमर नहीं होते। धर्म पराजित कभी नहीं होता। कुछ लोग मानुष से देव बन जाते, कुछ दुष्ट बुद्धि वाले बन जाते। कुछ लोग मानुष से देव बन जाते, कुछ दुष्ट बुद्धि वाले बन जाते। अमृत हमेशा देवों को मिलता, दुष्ट अपने कर्मों से नष्ट हो जाते। अमृत हमेशा देवों को मिलता, दुष्ट अपने कर्मों नष्ट हो जाते। दुष्ट अपने कर्मों से नष्ट हो जाते, दुष्ट अपने कर्मों से नष्ट हो जाते। धर्म पराजित कभी नहीं होता, धर्म पराजित कभी नहीं होता। राक्षस असुर अमर नहीं होते, राक्षस असुर अमर नहीं होते। धर्म पराजित कभी नहीं होता। सतयुग में ध्यान की रहती प्रधानता, त्रेता में यज्ञ प्रधान कहे जाते। सतयुग में ध्यान की रहती प्रधानता, त्रेता में यज्ञ प्रधान कहे जाते।
द्वापर में देवों का पूजन होता, कलयुग में कीर्तन से मुक्ति पाते। द्वापर में देवों का पूजन होता, कलयुग में कीर्तन से मुक्ति पाते। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सतयुग में ध्यान की प्रधानता ईश्वर का ध्यान है, त्रेता युग में यज्ञों की प्रधानता रहती है, द्वापर काल में देवगणों की उपासना पूजा ईश्वर आराधना तो होती ही है। जब वे देवगण साक्षात पृथ्वी पर विचरण करते हैं तब जाहिर है कि उनका सत्कार, उनकी पूजा, उनसे दिव्य ज्ञान, दिव्य संपदाओं की प्राप्ति लोग करते हैं। और कलिकाल में ईश्वर के नाम का स्मरण, और चारों युगों में ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्रधानता रहती है, क्योंकि गुरु के बगैर कोई भी ना जप कर सकता है ना तप कर सकता है, जब तक गुरु का मार्गदर्शन नहीं होगा। गुरु महल के मुख्य पताका के समान है, धर्म अगर कोई किला है, ईश्वर अगर किला है, तो उसमें प्रवेश करने का मुख्य द्वार सतगुरु है। ब्रह्म रूप गुरु के चरणों की पूजा, और गुरु चरणों दक का पान। ब्रह्म रूप गुरु के चरणों की पूजा, और गुरु चरणों दक का पान। फुल संदे वाले बाबा कहते, चारों युगों में ये अटल विधान। फुल संदे वाले बाबा कहते, चारों युगों में ये अटल विधान। चारों युगों में ये अटल विधान, चारों युगों में ये अटल विधान। कोटि तीर्थ भवेत पुण्यम प्राप्ते फलदायकम, सतगुरु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। करोड़ों तीर्थ गुरु चरणों में बसते हैं, कोटि तीर्थ भवित पुण्यम। उन करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य गुरु के चरणोदक चरणामृत के पान करने से हमें प्राप्त हो जाता है। कोटि तीर्थ भवित पुण्यम प्राप्ते फलदायकम, सतगुरु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिसने गुरु के वचन अमृत पिए हैं, पान किया है, गुरु का चरणोदक चरणामृत जिसने ग्रहण किया है, पिया है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा हमारे प्राचीन पुरुष ऋषि मुनि देवगण कहते हैं। धर्म पराजित कभी नहीं होता, धर्म पराजित कभी नहीं होता, राक्षस असुर अमर
नहीं होते। राक्षस असुर अमर नहीं होते। धर्म ही भव से पार लगाता। धर्म ही भव से पार लगाता। पाप के पेड़े पार नहीं होते। पाप के बेड़े पार नहीं होते। धर्म पराजित कभी नहीं होता। 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 धर्म का आचरण करने से ही मनुष्य को इस लोक और परलोक में परम शांति और दिव्य संपदाओं की प्राप्ति होती है। इस स्कंद उपनिषद में कुमार कार्तिकेय महर्षि अगस्त से कहते हैं, ओम आन्द्र संशयम परोधर्म क्षमा च परमं बलम आत्मज्ञानम परमं ज्ञानम न सत्याद विद्यते परम। क्रूर स्वभाव का परित्याग कर देना सबसे बड़ा धर्म है। हृदय की कुटिलता दुष्टता को त्याग देना, स्वार्थ और क्रोध को त्याग देना सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। दूसरों को क्षमा कर देना और यदि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं तो क्षमा मांग लेना, ये सबसे बड़ी बात है। आत्मा का ज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है। संसार में तरह तरह के ज्ञान हैं, रेलगाड़ी कैसे चलाएं, कंप्यूटर कैसे चलाएं, खेती को और अच्छा कैसे करें, तरह तरह का ज्ञान विज्ञान इस संसार में है। सबका अपना अपना महत्व है, किंतु आत्मा का ज्ञान, जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है वह मनुष्य आवागमन से जन्म मरण से छूट जाता है। इसलिए इस आत्मज्ञान को सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट कहा गया है। हे ऋषि, सत्य से बढ़कर कुछ है ही नहीं। जो लोग समझते हैं झूठ बोल बोल के काम चलाओ, चालाकियों से काम चलाओ, एक समय आता है कि उनके पैर फैले पड़े रह जाते हैं। सब समझ लेते हैं ये झूठे आदमी हैं, उनकी कोई मदद करने के लिए नहीं आता। इसलिए सत्य का आचरण जो करते हैं, जो सत्यनिष्ठ रहते हैं, वे सबके प्रेम को प्राप्त करते हैं, सब लोग उनकी मदद करते हैं। प्रभु राम को आप देखिए, वन में विचरण करने वाले वनवासी लोग उनकी मदद करने के लिए वहां आ गए। सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यारपि हितम वदेत यद्भूत हित मतयन्तमेतत सत्यम मतः मम।
सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, परंतु सत्य से भी श्रेष्ठ है हितकारक वचन बोलना, जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, वो ही धर्म है, वो ही सत्य है, वो ही सर्वमान्य है। सर्वारंभ परित्यागी निराशी निरस्प अपरिग्रह येन सर्व परित्यक्तम, तहां इसका परिणाम शुभ होगा या अशुभ, ऐसा सोचकर जो करता है। जिस कार्य का परिणाम अशुभ हो, दुखदायी हो, उसी कर्म को पाप कर्म कहा जाता है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, हर एक हृदय में कोई ना कोई कामना अवश्य होती है। यहां अर्थ है कि सांसारिक कामनाओं को हम घटाते चले जाएं और ब्रह्म कामना, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय ज्ञान की कामना हम करें। जो मनुष्य संसार में बहुत अधिक संग्रह नहीं करता, जिसने हृदय से बुराइयों का त्याग कर दिया है, हे अगस्त मुनि, वो ही पुरुष विद्वान है, वो ही पंडित है, जो निरंतर उस ब्रह्म के ध्यान में रहता है, वो ही पुरुष धन्य है। इंद्रियोर इंद्रियार्थान यश्च रत्या तं वशिष्ठिर असज्जमानः शान्तः आत्मा निर्विकारः समाहितः आत्मभूतैर तद्भूतः सचैव विनैव च स विमुक्तः परम श्रेयो न चिरेण धिष्ठति। जो मनुष्य अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा अनासक्त हो जाता है, अपने मन को जगह 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 चिपकाता नहीं है, आसक्त नहीं होता, जिसका चित्त शांत हो गया है, निर्विकारता जिसमें आ गई है, यानी जो विकारों से, अवगुणों से, दुर्गुणों से जो लिप्त नहीं होता, शांत चित वाला, निर्विकार, ऐसा आत्मस्वरूप में स्थित पुरुष विदेह अवस्था को प्राप्त हो जाता है। शरीर होते होते भी वो शरीर से अलग दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग इस प्रकार रहता है जैसे कमल का फूल, कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल में डूबता नहीं, वरन उससे ऊपर बना रहता है। अदर्शनम संसर्पश यथा संभाषण सदा यस्य भूतैः सह मुने सश्रियो वदते परम। हे मुनि, जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, यानी अवगुणों के लिए किसी को नहीं देखता, जो दूसरों के अवगुणों को नहीं देखता, जो मौन रहता है, संसारिक विषयों में, संसारिक बातों में जो अधिक नहीं लिप्त होता,
ऐसा पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है। न हिस्यात सर्वभूतानि मैत्रायण गतश्चरित नेरम जन्म समासाध्य वैरम कुर्वेत केनचित। कभी किसी को कष्ट ना पहुंचाए, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे, मारे नहीं, सबके प्रति मित्र भाव रखे। मनुष्य जन्म को पाकर किसी के साथ बैर ना करे। हे ऋषि, ये ही धर्म का तत्व है। अकिंचन्यम सुसंतोषो निराशि अस्तव मचा पलन। जो आत्म तत्व का ज्ञाता है, मन को वश में रखने वाला है, उसके लिए यही सब कुछ कल्याणमय है, कल्याण का साधन है। वह किसी वस्तु का संग्रह ना करे, संतोष रखे और कामनाओं और चंचलता को त्याग दे। परिग्रहं परित्यज्य भवतात् जितेन्द्रिय शोकम स्थान मतिष्ठ इहि च मत्र च भयम। हे ऋषि, संग्रह सदा ही भय देने वाला होता है। जो मनुष्य जितेंद्रिय बन गया है, अपने मन इंद्रियों पर जिसको वश है, वह इस लोक में और परलोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। दोनों लोकों में वो निर्भय और शोक रहित रहता है। निरामिषा न शोचन्ति त्यजेत मिषमात्मनः परित्यज्य मिषम सौम्यः दुःखतः पाद विमोक्षयत्से। जिन्होंने भोगों का त्याग कर दिया है, हे महर्षि, वे कभी शोक में नहीं पड़ते। जो कामना ही नहीं करते तो उनको दुख कैसा। मनुष्य के दुख उसके भोगों की आसक्ति होने के कारण उनको प्राप्त होते हैं। भोगों का त्याग कर देने पर सब दुख संताप शांत हो जाते हैं। तपोनित्येन दान्तेन मुनिना संयता तमनाजितं जेतु कामेन भाव्यं संगेभ्य संगिना। जो मनुष्य ना जीते जा सकने वाली, जिसको जीतना अति कठिन है, ऐसी आत्मा को जीतने की जो इच्छा रखता हो, उसको नित्य तपस्वी होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, मननशील होना चाहिए, संयत चित वाला होना चाहिए और भोग विषयों से अनासक्त रहना चाहिए। हे ऋषि, ये ही कल्याण का परम साधन है। इतना कहकर कुमार कार्तिकेय मौन हो गए। धर्म पराजित कभी नहीं होता, धर्म पराजित कभी नहीं होता, राक्षस असुर अमर नहीं होते, राक्षस असुर अमर नहीं होते, धर्म ही भव से पार लगाता, धर्म ही भव से पार लगाता, पाप के बेड़े पार नहीं होते, पाप के बेड़े
पार नहीं होते। धर्म ही भव से पार लगाता, धर्म ही भव से पार लगाता, पाप के बेड़े पार नहीं होते, पाप के बेड़े पार नहीं होते। धर्म पराजित कभी नहीं होता, 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 धर्म पराजित कभी नहीं हो। कुछ प्रश्न। दुबई से सुनील गौतम, वो कहते हैं गुरु महाराज कल आपका एक मिनट का जो वीडियो संदेश आता है रोज, कल का जो संदेश था उसकी थोड़ी व्याख्या कर दीजिए, वो समझ नहीं आया। संदेश ये था कि मृत्युलोक में इंद्र स्वर्ण रथ पर चढ़ा हुआ विचरण कर रहा था, उसे प्यास लगी, एक नवयुवक को देखा, उससे पीने के लिए पानी मांगा। जब वो पानी लेके आया जिस पात्र में और पानी देने लगा, इंद्र ने देखा उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। कहा, ये तुम्हारे हाथ में छाले कैसे हो गए? कहा, पानी लाते समय बन गए हैं। क्यों? उस नवयुवक ने कहा, हे देव, आज तक मैंने किसी को दान नहीं दिया। इंद्र ने उसको अशुद्ध आत्मा समझ के वो जल फेंक दिया। ये संदेश था। इसमें इसके भीतर क्या शिक्षा है? हमारे धर्म में प्रतिदिन स्नान, प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान और प्रतिदिन दान, ये बातें कही गई हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन ये कार्य नहीं करता, जब वो किसी भी देव आत्मा के सामने पहुंचता है तो उसका शरीर भी अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, जैसे उस नवयुवक के हाथ में छाले पड़ गए। यानी देवगण, ऋषिगण, दिव्य पितरात्माएं धर्मात्माओं को ही प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान ना करे, ईश्वर आराधना ना करे, गुरु चरणों में नमन ना करे, धर्मशास्त्र का पठन पाठन ना करे और कुछ ना कुछ दान ना निकाले, ऐसे व्यक्ति को देवगण पापात्मा समझ के उसका परित्याग कर देते हैं। ये इस संदेश के पीछे गहन आशय है, अर्थ है। दरबार में रहने वाले शांतनु और देवपुत्र संजय पूछते हैं, गुरुदेव एक ना एक दिन सबको शरीर छोड़कर संसार से जाना होगा,
जो गुरु दरबार में आपके साथ रह रहे हैं। मरने के बाद हम लोग आपके चरणों में रहेंगे या अन्य और कहीं जन्म लेकर भटकते फिरेंगे? नहीं, भटकेंगे नहीं। आप लोग पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं और आगे भी। आपकी पवित्र आत्माएं हमारे साथ ही रहेंगी। तुम सब देव आत्माएं हो, ईश्वर का प्रकाश तुम्हारे भीतर है। बस सांसारिक गतिविधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहीं हमारी आत्मा संसार के संपर्क से, दुर्गुणों से मैली ना हो जाए। मैली होगी तो फिर भी सतगुरु ही बार बार उसको धुलेंगे, साफ करेंगे, प्रकाशमान करेंगे। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। तुम सभी हमारे साथ थे, हमारे साथ हो और हमारे साथ भविष्य में भी रहोगे। बोलो सतगुरु बाबा फुलसंदे वालों की जय। जम्मू से देवपुत्री अनुज्योति, प्रश्न है कि तीर्थों में जाने से क्या लाभ होता है? वहां जिन जिन महापुरुषों ने तप किए हैं, महान कार्य किए हैं, उस इतिहास का हमें स्मरण होता है और प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे ही बने जैसे हमारे महापुरुष थे। गुरु धारण करने के बाद क्या हम तीर्थ में जा सकते हैं? अवश्य अवश्य जाएं, किंतु वहां जाके परम ब्रह्म की आराधना करें, जिनका वो स्थान है उनको मन ही मन प्रणाम करें और ये देखें कि यहाँ का इतिहास क्या है। बहुत से लोगों को हमने देखा है वहां तीर्थों में रहने वाले जो पुजारी हैं, उनको भी वहां का इतिहास मालूम नहीं होता। अपना इतिहास हमें मालूम होगा तो हम स्वयं भी उनके जैसा बनने का प्रयत्न करेंगे। घर में अलग अलग विचारधाराओं में रहते हुए नित्यनेम कैसे करें? यदि कोई विरोध करता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मत करो, मन ही मन में परमेश्वर का सिमरन करते रहिए। तुम्हारी वजह से घर में अशांति हो, कलह हो, वो भी ठीक नहीं। आप एक बार जम्मू अवश्य आए, हम कई बार जम्मू गए हैं। मैं ग्रस्त हूं, अकेले नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। जब समय होगा हम अवश्य वहां आएंगे। पहले भी कई बार हम लोग जम्मू गए हैं और आगे जब वहां का प्रोग्राम बनेगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। शुभमस्तु। आज बस इतना है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। अब आप अनंत ग्रंथ का पाठ सुनिए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, अध्याय 15, मंथन। हे पवित्र आत्माओं, संसार में आने वालों को मेरा यह संदेश है कि तुम रात दिन आराधना में लगे रहो। यदि तुम इस दुनिया में और अगली दुनिया में अपने वास्ते प्रकाश चाहते हो तो सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले फरमाते हैं कि प्रेम ईश्वर की आवाज है। प्रेम ईश्वर की तरफ से है, जिसकी आत्मा में प्रभु ने अपने प्रेम का सच्चा मोती डाला, वो सीप, वो आत्मा धन्य हुई। वो जगत में देवतुल्य और पूजनीय हो गए।
जो प्रेम के अथाह दरिया में गर्क हो गए वो ढूंढे से भी हाथ ना आए, क्योंकि ईश्वर प्रेम और केवल प्रेम है, प्रेम के अलावा कोई दूसरा ईश्वर या खुदा नहीं है। जिन्होंने इस नश्वर शरीर में परमेश्वर के नूर को देख लिया वो लोग इस मालिक की बंदगी के काबिल हो गए और वे बख्शीश होती हैं कि सच्चे सद्गुरु की तरफ से। सच्चे संत परमेश्वर का रूप हैं, जाते खुदा हैं। समुद्र में और पठार में जितना अंतर होता है बस उतना ही अंतर ईश्वर में और सच्चे संत सतगुरु में जानना चाहिए। जो कोई अपने वक्त के सतगुरु की सेवा और प्रीत कर रहे हैं उन्हें एक दिन सब कुछ हासिल हो जाएगा, और इसके बरखिलाफ अपने मन के मुआफिक परमार्थी कार्यवाही कर रहे हैं उनको मेहनत निष्फल और बेकार जाएगी। इस बात को गौर करके समझ लेना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का जो दरवाज़ा है वो सच्चा और पूरा सतगुरु है। नाम तो संसार जप रहा है, कोई खाली नहीं, पर फायदा किसी को नहीं होता है। इसका सबब यह है कि सतगुरु द्वारा नाम नहीं लिया। मन मत नाम जपते हैं और इसी वास्ते उसकी पूजा और आराधना ऐसी है जैसे कोई अंधेरे में बैठ के सबब कहीं से भी कहीं तीर चलावे। जैसे दुनिया की तरफ को इंसान रुजू होता है वैसा उस कुदरत की तरफ को नहीं होता। जैसा संसार के पदार्थों का यह मोहताज है ऐसे ही परमार्थ का मोहताज नहीं, और जैसा संसारी पदार्थों के वास्ते दीन होता है ऐसा बंदगी के वास्ते दीन और बेअकल नहीं होता। और कभी दीन भी होता है तो कपट के साथ। सच यह है कि जब तक यह जीव सतगुरु के सामने सच्चा दीन ना होगा तब तक वो परमेश्वर भी उसको तारना चाहे तो तार नहीं सकता। जैसे आग पर कांच नहीं ठहरता इसी तरह ये नरदेही भी संसार के भोगों और दुखों की आग में दिन रात पिघलती जाती है। बड़भागी वही जीव है जिनको सतगुरु पूरे मिल गए और जो उनकी संगत में अपना तन मन धन खर्च कर रहे हैं। सुमरन करिए पार ब्रह्म, सुमरन करिए अलख अगम। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम। बोलो सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों की जय। बोलो हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय। हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय। हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। आज लाइव के बाद पूज्य श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक सेवा अर्पित करने वाले मुरादाबाद से देवपुत्री निर्जला देवी वाइफ ऑफ श्री दिलीप सिंह परिवार सहित अपने पितरों की शांति के निमित्त स्वर्गीय सोमती देवी वाइफ ऑफ श्री शिवचरण सिंह जी उनकी आत्मा की शांति के लिए पूज्य गुरु चरणों में सेवा अर्पित कर रहे हैं। प्रभु सद्गुरुदेव जी उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार में सुख शांति बख्शें। दान सेवा सुमरन आराधना करने की शक्ति प्रदान करें। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। इसी के साथ आज की हमारी यह सभा संपूर्ण होती है। कल दोपहर 2 बजे फिर आपसे भेंट होगी।
तब तक के लिए नमस्कार। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।